हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, आपको याद होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, है ना। तो लेक्चर 2, लेक्चर 3 हो गया था आपका, और आज की जो क्लास है वो हमारे पास लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे ना। लेक्चर 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में डिस्कशन किया था, और लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चंस किया था, लेक्चर 3 में भी हमने क्वेश्चंस किया था। तो आज का जो क्लास है यानी जो लेक्चर नंबर 4 है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्या हम करने वाले हैं। तो आज के जो क्लास है उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू होता है एट सम एंगल, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। देखते हैं, तो फिर तो हेडिंग देते हैं कि आप पास वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वैल्यू ऑफ क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, रेशियो एट सम एंगल, एट क्या पास सम एंगल। आप बोलोगे सर सम एंगल क्यों, मैं सम एंगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ही एंगल के हम लोग रिजल्ट जानते हैं, बाकी का रिजल्ट इधर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसका कुछ प्रोसीजर हो सकता है। बट हम लोगों को जो पढ़ना है आपके पास ना, 15 डिग्री हो गया आपके पास, 30 डिग्री, 15 डिग्री हो गया, तो क्लास 11th तो पढ़ना है आपको। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर डाल रखा है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, फॉर द जेई के लिए डाला हुआ है, है ना। फिलहाल जो यहाँ पर जो है हम लोग को 30 डिग्री पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे क्लास 10th बेसिस पे, ना। ठीक है, तो यही हम लोग पर डिस्कशन करने की बात है आपके पास, कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू एट सम एंगल के बारे में बात करेंगे। सर कुछ हमारे पास एंगल होंगे जिस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब क्या रिजल्ट होगा, है ना। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले जब भी क्लास 10th की चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले एक टेबल को याद रखते हैं इससे क्वेश्चन को बनाने के लिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बस सर आपको एक चीज़ करना आना चाहिए, वो चीज़ है सिर्फ आपको कैलकुलेशन मस्ट है, कैलकुलेशन बहुत ही खतरनाक करना आना चाहिए आपके पास, मतलब जल्दी जल्दी थोड़ा कैलकुलेशन करना आना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम थोड़ा सा इसमें लग जाएगा। क्योंकि वगैरह कभी जैसे कि कभी कभी साइन 60 डिग्री का रिजल्ट √3/2 होता है, √3/2 दे देगा। तो अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है कि √3/3 जो है आपके पास 3√3 होता है, तो फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम बर्बाद कर लेंगे। इसलिए आपके पास मैंने क्या बोला कि कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत होना आपका चाहिए। चलिए, जो टेबल याद रखना है उसके बारे में हम बता दें आपके पास कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। और इस बॉक्स को आप याद रखेंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आया आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। वैसे इतना ज़्यादा दूर जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ें मैं आपको इधर समझा भी दूंगा, ठीक है, देखते हैं। तो सर आप आगे बात करोगे तो अब क्या होने वाला है थोड़ा सा मामला देखा जाए। तो पहले वाले में तो हमारे पास ये भाई साहब कि यहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो थीटा लगेगा वो हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और उसके बाद उसके साथ क्या हो जाएगा थीटा। कौन से थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर ज़्यादा बेटर ये है रुकिएगा, थीटा ऊपर कर देते हैं, थीटा ऊपर कर दिया और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नीचे रहेगा। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं आपके पास पता होगा, आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है हिसाब से। एक तो क्या पास साइन थीटा, ठीक है ना, उसके बाद कौन सा पास कॉस थीटा, नेक्स्ट आपके पास टैन थीटा, उसके बाद कौन सा पास कॉट, कॉट थीटा, उसके बाद आपके पास कौन सा हो गया नेक्स्ट सिक बच गया, एक और बच गया यार, कौन सा एक और नीचे कर देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना बड़ा ही आसान है, समझ गया ना बात को आप। कॉट के बाद आपके पास यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा, और नेक्स्ट आपके पास कॉस सेक थीटा। जो आपको रिजल्ट पता है भाई साहब वो है आपके पास 0 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, आपको पता है आपके पास, याद रखिएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, आपके पास क्या है 0 डिग्री का रिजल्ट पता है, उसके बाद 30 डिग्री का रिजल्ट पता होता है आपको क्लास 10th में, क्लास 10th में आपको 45 डिग्री का रिजल्ट पता होता है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे चाहेंगे कि सर हमें साइन 120 डिग्री का रिजल्ट चाहिए तो वो नहीं सीख सकते हैं, सीख सकते हैं यार, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि 10th क्लास में आपको यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। बट मैं बता दूँ अगर इससे आगे जानकारी चाहते हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैंने बताया आपको कि मैं फॉर द जेई मेन्स एडवांस के लिए वीडियो लेक्चर डाल रखा हूँ सब कुछ के ऊपर, मतलब ओवरऑल पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर डाला हुआ है। उसके बाद आपके पास हो जाता है 60 डिग्री भाई साहब, और उसके बाद फाइनल आपके पास कितना है 90 डिग्री है, बस इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये इतना बॉक्स हटा दीजिए फिर से,
जरूरत की बात नहीं है। सर आपके पास क्या लिखा रहेगा वो याद रख लीजिए। मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहला देखिएगा ना, सबसे फर्स्ट वाले याद रखना बड़ा ही आसान है, सबसे फर्स्ट वाला याद रखना बड़ा ही आसान है। देखिएगा साइन 0 डिग्री से 30 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, देखो 0 1 2 3 और 4 ऐसा लिख देना है। देखिए 1 2 3 4 5 है, सबके नीचे पता है क्या लगा देना है, 4। सबके नीचे क्या लगा देना है, 4। और 4 लगा करके सबको रूट में डाल देना है। क्या डाल देना है सबको, रूट में। तो इससे जो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर उठा कर फिलअप हो जाएगा। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका। अदरवाइज ज़्यादा बेटर है कि आप नॉर्मली याद रखें। 0.4 दैट इज इक्वल टू 0, तो रूट अंडर 0 हो गया। यहाँ पर 1 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 एंड 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो बाहर निकल गया। इसको ऐसे कट करो, 2 1 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 एंड नीचे 2 है, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनीवन। नेक्स्ट 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनीवन, और आपके पास 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ये कट गया, कितना हो गया 1, तो रूट अंडर 1, रूट अंडर 1 कितना होता है 1। रूट अंडर 0 0, दिस इज द 1/2, दिस इज द 1/√2, दिस इज द √3/2 एंड दिस कितना पास 1। 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी 1 इज क्या पास स्क्वायर ऑफ इट्स मतलब इटसेल्फ बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर तो आ गया 0, साइन थीटा, थीटा 0, तो साइन 0 कितना हो गया 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। याद रखिएगा अगर आपको एक याद हो गया ना, तो ऐसा कोई है नहीं जिसको आप याद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक याद हो गया तो बड़ा आसान है। और कैसे याद रखना है पता है, मैंने बताया था आपको, क्या बताया कि 0 1 2 3 4 रख देना है, सबको 4 से डिवाइड करके रूट लगा देना है, बस सिंप्लीफाई कर देना है, जो आए या उठा कर फुला फिलअप कर देना है। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है, और मैं बता दूँ कि कॉसिक थीटा का जो फॉर्मूला होता है भाई साहब वो H/P होता है। मुझे बताओ क्या साइन थीटा का P/H है, तो H/P, यानी अगर इसमें इसको पलट दूँ तो कॉसिक का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो साइन के साथ कॉसिक याद रखना जरूरी है। इसके नीचे अच्छा 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, अगर इसको पलट दोगे इसको तो कितना 1/0। मैं साइन से कॉसिक को पहले निकाल दे रहा हूँ, साइन P/H है तो कॉसिक H/P, यानी सीधा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, सीधा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, अनडिफाइंड ना, क्या हो जाएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, याद रखेंगे आप इस बात को ना सर, ये तो अनडिफाइंड हो गया। नेक्स्ट आगे ये 1/2 को रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना 2/1, इसको पलट दोगे √2/1 दैट इज इक्वल टू √2, इसको पलट दोगे 2/√3। और ये 1 है यार, तो 1 है तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो पलट देंगे तो 1/1 अगेन तो विल गेट 1। क्लियर है ना यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में ना, देखिएगा बहुत आसान है। मैं देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, साइन थीटा को ऐसे करके ऐसे पलट देंगे, साइन थीटा को ऐसे करके ऐसे पलट देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास, है ना। और क्यों ऐसा आता है मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब बताएंगे ना तो मैं आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो यहाँ से वैसे फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। चलिए भाई तो साइन को ऐसा पलट दीजिए कितना आ जाएगा, ये दिस इज व्हाट ये 1, दिस इज द √3/2, और ये कितना हो गया 1/√2, ये कितना 1/2, और ये कितना हो गया 0। मजा आ गया ना बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं बताऊंगा भाई साहब कि आप जरा देखो तो कि कॉस थीटा जो है, ठीक है, वो होता है B/H, और आपको पता होगा कि जो आपके पास सेक थीटा होता है कितना होता है सेक थीटा, दिस इज व्हाट कितना H/B, यानी सर अगर ये B/H है तो ये H/B है, यानी कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक, तो रेसिप्रोकल करिए 1/1 अगेन 1, √3/2 को रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, इसको पलट दो कितना √2, इसको पलट दीजिए कितना 2, और ये 0 है भाई साहब, क्या है 0, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1/0 इज व्हाट अनडिफाइंड ना, अनडिफाइंड। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते थे, इसको ऐसे भी याद रखते थे रख सकते थे कि जो कॉसिक है कॉसिक को अगर पलट दोगे ना तो क्या आ जाएगा सेक आ जाएगा, कॉसिक को पलट देंगे तो सेक याद आ जाएगा। आप अपना मर्जी है जैसे आपको मन करे वैसे समझ में आ जाएगा ना। मैं बता दूं कि नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में एक फॉर्मूला है कि जब अगर आप साइन टैन थीटा निकालते हैं टैन थीटा, तो वो होता है आपके पास कि साइन थीटा वाई होता है कॉस थीटा। और क्यों होता है भाई साहब कि साइन थीटा कितना होता है P/ कितना होता है H, और कॉस थीटा होता है P/H, तो ये रिकॉर्ड जाएगा कितना हो जाएगा P/B। ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में पढ़ाऊंगा। आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है P/B होता है ना, तो साइन थीटा P/B को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी टेन थीटा P/B को मैं लिख सकता हूँ
साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो बड़ा ही आसान है यार, जीरो अपॉन वन मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा इन जीरो अपॉन वन कितना जीरो, इसको इस इतना अपॉन इतना टू टू कट जाएगा वन बाई रूट अंडर थ्री। देखो ना यार ऐसे ना होगा, वन बाई टू प्लस रूट अंडर थ्री बाई टू ये और ये कट जाएगा कितना है वन बाई रूट अंडर थ्री। इसको अगर आप कट करोगे वन, इसको कर दोगे रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू, टू टू कट गया कितना रूट अंडर थ्री, और वन बाई जीरो दैट इज इक्वल्स व्हाट अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अब मैं आपसे बोल दूँ यहाँ पे कि सर जो टैन कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का वो होता है बी बटा पी, बी बटा पी मतलब सर टैन अगर पी बाई पी है तो कॉट पी बाई पी है, मतलब रेसिप्रोकल यार सीधा पलटो उठा के चलिए रख दो ना रेसिप्रोकल कर दो, ये जीरो है जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो वन, तो वन बटा जीरो जीरो बटा वन है तो वन बटा जीरो वाट अनडिफाइंड अनडिफाइंड। और इसको पलट दो रूट अंडर थ्री, इसको वन बटा वन वन, इसको पलट दोगे तो वन बाई रूट अंडर थ्री और दिस इज वॉट कितना समथिंग अपॉन अनडिफाइंड दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि टैन को, टैन को अगर आपने ऐसे पलट दिया ना, टैन को अगर आप ऐसे पलट दोगे तो कॉट आ जाओगे कॉट आ जाएगा, टैन को अगर आपने ऐसे पलट दिया तो क्या आ जाएगा कॉट आ जाएगा। बहुत ही खतरनाक तरीका है याद करने का, समझ गए ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल हम लोग रेशियो द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एट सम एंगल को हम लोग कैसे याद करते हैं। क्लियर है आपको? अगर आपको ये बात क्लियर होगा तो हम लोग आगे की तरफ डिस्कशन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, लिख लीजिए इसको, और मैंने जैसे समझाया है ना यार बिल्कुल वैसे ही याद रखना आप। चलिए तो क्वेश्चन वगैरह के टाइम हो गया है तो हम लोग जरा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन मैंने बोल दिया क्या देखे तो इफ सॉरी इफ नहीं मैंने क्या दिया पास इवेलुएट इवेलुएट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पास कि साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस टेन 45 या फिर यहाँ पे माइनस कर देता है, ठीक है ये हो गया। चलिए भाई साहब नेक्स्ट अगला हम लोग बात करें नेक्स्ट सेकेंड नंबर का। हाँ हो गया। चलिए हमने क्या पास कि टेन स्क्वायर कितना पास 60 माइनस टेन स्क्वायर कितना 45 डिग्री प्लस पास साइन स्क्वायर 90 डिग्री। फटाफट देख रहे हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वायर का मतलब समझिएगा बात को ना, मैं फिर से बता दूँ आपको एक चीज ना, टेन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू वी कैन राइट इट लाइक दिस कि साइन टेन थीटा का स्क्वायर, वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस टेन थीटा थीटा का स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा का स्क्वायर नॉट टेन थीटा ओनली थीटा का स्क्वायर, थीटा इज आर्गूमेंट ऑफ टेन। आर्गूमेंट को अगर आप टेंथ क्लास में आर्गूमेंट के नाम से नहीं जानते हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ पर किसको नाम से जानेंगे इनपुट के नाम से जानेंगे, किसके नाम से इनपुट के नाम से। चलिए ठीक है एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई साहब ना, एक और क्वेश्चन कितना मैंने बोल दिया पास देखिए तो हाँ मैंने क्या लिख दिया पास टेन 30 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन 30 डिग्री सॉरी माइनस कर देना माइनस कर देना यहाँ पर 60 यहाँ पर क्या कर देंगे 30 ये प्लस कर देंगे टेन 60 इंटू कितना हो जाएगा टेन 30 ठीक है ये हमारे पास हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं फोर नंबर में ठीक है कि मैं क्या बता दूँ आपके पास कि क्या लिख दूँ भाई ठीक है साइन स्क्वायर कितना 30 डिग्री सॉरी साइन 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन कितना पास क्यूब 30 डिग्री बस इसका रिजल्ट क्या होगा है ना फटाफट देखा जाए। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं हम जल्दी से है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करिए जरा सा कर लो कितना लिख देंगे कि सर साइन ये तो हमारे पास 30 डिग्री है जैसे तो व्हाट क्या कॉस 60 डिग्री ठीक है और ये कितना माइनस टेन कितना 45 डिग्री। अगर आप उस चीज़ को कॉपी पर नोट कर चुके हैं इसके पहले वाली चीज़ को जो मैंने आपको टेबल लिखवाया था अगर आप कॉपी पर नोट कर चुके हैं तो ठीक और नहीं तो फिर से आप वीडियो में बैक में चले जाइए बैक में जा करके स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। साइन 30 डिग्री का रिजल्ट मैंने आपको बता रखा है वहाँ पे सॉल्यूशन के लिए 1 बाई कितना होगा 2 कॉस 60 डिग्री का रिजल्ट इज ऑल्सो कितना 1 बाई
टू नाउ टेन 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1 लिखवाया हुआ है देख रहा हूँ वहाँ पे 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 या ये माइनस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट क्या 0 क्लियर है क्या आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर होगा कि कैसे किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन सर ये कैसा क्वेश्चन है ऐसा करो यार इसको 2 3 ऐसा वाला लिख दीजिए ना चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं क्या लिखा हुआ है आपके पास लिखा है टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर लिखा है 90 डिग्री टेन 60 मैंने बताया था कि टेन स्क्वायर 60 को वी कैन राइट इट लाइक दिस कि टेन 60 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 40 का मतलब टेन 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस दिस इज नथिंग बट साइन 90 का स्क्वायर टेन 60 जो होता है वो होता है रूट अंडर 3 तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 दैट इक्वल्स टू 1 तो 1 का स्क्वायर और साइन 90 दैट इक्वल्स टू 1 तो 1 का स्क्वायर मैं बता दूं कि टेन रूट 3 का स्क्वायर दिस इज व्हाट 3 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 योर रिकॉर्ड गया आपके पास कितना हो गया पास 1 दिस इज द फाइनल आंसर नाउ किसकी बात कर रहे हैं मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहा हूँ किसके बारे में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करना है फटाफट देखिएगा क्या लिखा गया पास की 1 माइनस सॉरी कितना है टेन कितना है 60 डिग्री माइनस टेन कितना है 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई भाई साहब 1 प्लस कितना है टेन कितना हो गया 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री आसान है क्वेश्चन आराम से रखिएगा देखिएगा भैया क्वेश्चन टेन 60 का मतलब होता है रूट अंडर 3 और टेन 30 1 बाई रूट अंडर 3 मैं फिर से बता दूँ जिस बच्चे को याद नहीं है वो पीछे जाएँ वीडियो लेक्चर में और फटाफट या तो उसका स्क्रीनशॉट ले नहीं तो यार नोट कर लें ज़्यादा बेटर है ठीक है देर इस पर आइए नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको क्योंकि एट रेंडमली आपके सामने से अगर कोई चीज़ सिर्फ 2 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए फिर 2 मिनट के लिए निकलता है तो हो सकता है कि कंप्लीट याद ना हो दो चार याद रहे इसलिए आपको लिख लीजिए क्योंकि वैसे भी 2 वीडियो लेक्चर होते होते पूरा याद हो जाएगा नेक्स्ट 1 तो 1 है टेन 60 का रिजल्ट रूट अंडर 3 है और टेन 30 कितना होता है 1 बाई रूट अंडर 2 है ये तो भाई साहब हाँ 1 बाई रूट अंडर 3 ये रिकट गया कितना आ गया क्वेश्चन जरा देखिएगा ये जो रिजल्ट है इसको इससे बेटा करिए रूट एलसीएम करिए रूट 3 1 का एलसीएम कितना हो गया रूट अंडर 3 हो गया तो यहाँ इसको इससे डिवाइड करोगे रूट थ्री इंटू रूट 3 कितना 3 माइनस इसको इससे डिवाइड करो 1 1 इंटू 1 कितना 1 नीचे में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 याद रखिएगा ऊपर कितना हो गया भाई साहब तो 2 बटा नीचे कितना रूट 3 और नीचे कितना हो गया 2 ये रिकट गया सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1 बाई रूट अंडर 3 दिस इज द फाइनल आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ की कैसे किया जा रहा है ना नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 मतलब बड़ा आसान है देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है हमारे पास 3 है साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री है ना मतलब देख लीजिए सर 3 तो 3 है साइन 30 का रिजल्ट वी नो दैट 1 बाई 2 माइनस 4 तो 4 है साइन 30 का रिजल्ट 1 बाई 2 और साइन के पावर क्या है क्यूब है तो साइन क्यूब 30 है तो साइन 30 का क्यूब लिख सकते हैं साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 और पावर में कितना है 3 सो आपके पास 3 बाई 2 माइनस 4 तो 4 है ये कितना हो गया 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 तो इसको कट करें कितना आ जाएगा पास 2 तो 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 दिस इज नथिंग बट 2 2 का एलसीएम 2 इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना 1 1 इंटू 3 3 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 1 और माइनस 1 इंटू 1 कितना 1 2 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 1 आ गया तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ठीक है जब किसी सम एंगल पर दिया रहेगा तो हम लोग सॉल्यूशन किस तरीके से करना है और ढेर सारे भाई साहब इस पर क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे तो आज की क्लास बस इतना ही नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन किया जाएगा है ना चलिए ठीक है